नमस्कार, मैं प्रिया। धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। चीन में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार यहां एक यात्री विमान क्रैश हो गई जिसमें 133 लोग सवार थे। घटना देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में हुई है। हादसे में कितने लोग हताहत हुए इसकी जानकारी खबर लिखे जाने तक फिलहाल साझा नहीं की गई थी। चीन के सरकारी चैनल CCTV ने बताया है कि बोइंग 737 विमान गुआंगझी क्षेत्र के वुझोहाओ क्षेत्र के पास ग्रामीण इलाके में क्रैश हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा कई घंटों तक काम करने और कम नींद लेने के दावे पहले भी सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन चुके हैं और अब महाराष्ट्र भाजपा का ताजा बयान उनकी कार्यशैली को फिर से चर्चाओं के केंद्र में लेकर आया है। उन्होंने बताया है कि मोदी एक प्रयोग कर रहे हैं जिसमें वो अपनी नींद पर काबू पा सके और 24 घंटे लगातार काम कर सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को भारत का एक अहम भागीदार बताया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच ऐतिहासिक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों देश के बीच के संबंध को और गहरा करने के लिए कई कार्य योजनाओं पर मुहर लगाई गई है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपको 92 सीटों पर जीत मिली है और इस बड़ी जीत के बाद ही अब पंजाब कोटे से आम आदमी पार्टी क्रिकेटर हरभजन सिंह, राघव चड्डा, डॉक्टर संदीप पाठक, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा को राज्यसभा में भेजेगी। राज्यसभा के लिए नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। हरभजन सिंह का नाम तो चर्चा में था ही, लेकिन बाकी नामों को लेकर अटकलें चल रही थी। उत्तर भारत के राज्यों में पिछले 4-5 दिनों में गर्मी अचानक बढ़ गई है। स्थिति ऐसी है कि सुबह से ही तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ साथ उमस का एहसास होने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज यानी 21 मार्च को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में तापमान में गिरावट आएगी। वहीं कई स्थानों पर लू की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाली योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा उनके शपथ ग्रहण को लेकर अपना मेगा प्लान बना चुकी है, साथ ही पूरी तैयारी भी कर ली गई है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोपहर 2 बजे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना क्रिकेटर स्टेडियम में संविधान की शपथ लेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई भारत के लिए एक सबक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि देश को कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध जैसी चुनौतियों को देखते हुए आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी हो गया है। अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस और एक देश पीएम मोदी को बड़े ही इज्जत से अपने यहां किसी भी समारोह में शामिल होने का न्योता देता है। इसके साथ ही बड़े से बड़े फैसले में दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूटीन हर कोई जानने को उत्सुक रहता है। उनके कम सोने की बात हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक कार्यक्रम में कहा है कि पीएम सिर्फ 2 घंटे सोते हैं और वो एक प्रयोग कर रहे हैं ताकि उन्हें सोने की जरूरत ना पड़े और देश के लिए 24 घंटे वो काम करते रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राजनीति से संन्यास का इशारा किया है। उन्होंने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया है कि वो समाज को बांटने का काम करते हैं, जबकि सिविल सोसाइटी का मुश्किल समय में काफी अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा है कि मैं अक्सर ये सोचता हूं कि राजनीति से रिटायर होकर समाज सेवा में लग जाऊं। सिविल सोसाइटी के लोगों को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा है कि हमको एक समाज में बदलाव लाना है। 2021 के ऑडियो टेप लीक मामले में कोलकाता पुलिस ने ईडी अधिकारियों को तलब किया है। बताते चले कि कोलकाता पुलिस ने जिन ईडी अधिकारियों को तलब किया है वो वही अधिकारी हैं जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा है कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 को रद्द किया गया था जो लोगों की कल्पना से परे था, उसी तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कराने के लिए संकल्प को निभाएगी। सिंह ने 1990 में घाटी में से कश्मीर पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स की आलोचना करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और दावा किया है कि 1987 के विधानसभा चुनाव में हुई धांधली के चलते जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपा था। कल तक जो वित्त मंत्री थे आज वो परिवार का भरण पोषण करने के लिए टैक्स चलाने को मजबूर हो गए। हम बात मोहम्मद खालिद पाइंदा की कर रहे हैं जो तालिबान के कब्जे से पहले अफगानिस्तान के वित्त मंत्री रहे थे। तख्तापलट की आशंका को देखते हुए उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला लिया और फिर अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की शुरुआत होने में महज गिनती के दिन बचे हैं। अभी 10 टीम इस मेगा टूर्नामेंट के लिए तैयार है। 26 मार्च से शुरू होने जा रही टूर्नामेंट का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। इस बीच पूरे टूर्नामेंट को लेकर स्टार स्पोर्ट्स ने पूरी तैयारी कर ली है। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क IPL के 15वें सीजन को 8 भाषाओं में प्रसारित करेगा। वहीं IPL 2022 इस बार 24 नेटवर्क चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। अपने राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे करने जा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ना तो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे और ना ही उन्हें हरियाणा में। फिलहाल इस पार्टी का भविष्य अच्छा नजर आ रहा है। वीरेंद्र सिंह भाजपा में ही रहकर स्वस्थ लोकतंत्र और मूल्यों की राजनीति करेंगे। इसे यूं भी कह सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह मार्गदर्शक की भूमिका में अपने कदम बढ़ाने वाले हैं।
कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की लोकसभा में मांग की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गांव ने सड़क निर्माण के लिए सरकार की सराहना करते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देश में सड़कों का जाल बिछाने वाले स्पाइडरमैन उन्हें बताया है। जापानी प्रधानमंत्री के भारत आगमन और यहां निवेश प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई सकारात्मक बातचीत के बाद पटना के लोगों की उम्मीद खास तौर पर बढ़ गई है। माना जा रहा है कि पटना मेट्रो के लिए जल्द ही जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका से ऋण की हरी झंडी मिल सकती है। जायका से मिलने वाले पैसे से ही पटना मेट्रो का आधे से अधिक काम होना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के पास बड़ा मौका है। यहां मल्टीटास्किंग स्टाफ समेत कई पदों के लिए भर्ती निकली है। कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर विजिट करना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या 24 है। इस भर्ती के तहत इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एक पद, टैक्स असिस्टेंट के 5 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 18 पद रिक्त है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसका जुनून तमाम देश के देशवासियों के अंदर देखा जाता है। हर खिलाड़ी अपने देश के इंटरनेशनल टीम में खेलना चाहते हैं। ऐसे में एक देश श्रीलंका वुमेन क्रिकेट टीम ने भी खुलासा किया था कि श्रीलंका वुमेन क्रिकेट टीम ने साल 2014 में सिलेक्टर्स पर कुछ ऐसे आरोप लगाए जिसने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 23वें पार्टी कांग्रेस से जुड़े किसी भी सेमिनार में कांग्रेस का नेता शामिल नहीं हो पाएगा। कांग्रेस ने कन्नूर में अगले महीने होने वाले वामदल के कार्यक्रम में किसी भी कांग्रेस नेता के शिरकत करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पार्टी का कहना है कि अगर कोई नेता बैन के खिलाफ जाकर सेमिनार में भाग लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं माकपा ने कदम को लेकर के कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। आईपीएल 2022 का 15वां सीजन शुरू होने वाला और उससे पहले खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी से जुड़ जाएंगे। इस बीच ईशांत किशन ने बड़ा खुलासा किया है। 26 मार्च को इस सीजन का पहला मुकाबला केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। इसके लिए सभी टीमें तैयारियों में जुट गई है। अब इंतजार सिर्फ 15वें सीजन के आगाज का है। इसी बीच आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले ईशांत किशन ने सीक्रेट का खुलासा करते हुए सभी को चौंका दिया है। जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने की कवायद जोरों पर है। इसी कड़ी में यहां निवेश के अवसर को तलाशने के लिए खाड़ी देशों का एक प्रतिनिधि मंडल श्रीनगर पहुंचा है। 36 प्रतिनिधियों का दल श्रीनगर में 4 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचा। इनमें 30 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ शामिल है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मेजबानी में ये प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करने के बाद निवेश पर फैसला करेंगे। सासाराम जिले के उत्तरी हिस्से में रहने वाले लोगों को अपने गांव से होकर ट्रेन का सफर करने का सपना फिलहाल पूर्ण होता नहीं दिख रहा है। परस्थुआ कोचस से होकर गुजरने वाली 147 किलोमीटर लंबी आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन के निर्माण पर विभाग ने फिलहाल रोक लगा दी है। विभाग ने इस रेल लाइन के निर्माण पर खर्च होने वाली राशि को ही रोक दिया है, जिसके बाद क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस परियोजना को पूरी तरीके से बंद होने का भय सताने लगा है। आरपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन बी रवि पल्लई ने खुद को रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा दिया है, क्योंकि वो 100 करोड़ रुपए की कीमत वाले एयरबस H145 हेलीकॉप्टर के पहले भारतीय मालिक बन गए हैं। 68 वर्षीय अरबपति वर्तमान में $2.5 बिलियन के मालिक है और उनकी विभिन्न कंपनी में लगभग 70,000 कर्मचारी और UAE से बाहर काम करते हैं। संसद की एक समिति ने गहरे समुद्र मिशन के तहत 150 करोड़ रुपए की कुल आवंटित निधि में से जनवरी 2022 तक एक पैसा भी खर्च नहीं होने पर कारणों के बारे में विस्तार से अवगत कराने को कहा है। संसद की एक समिति ने गहरे समुद्र मिशन के तहत 150 करोड़ रुपए की कुल आवंटित निधि में से जनवरी 2022 तक एक भी पैसा खर्च नहीं होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से इसके कारणों के बारे में विस्तार से अवगत कराने को कहा है। टेस्ट क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे कठिन मैच माना जाता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों को 5 दिन और गेंदबाजों को 5 दिन गेंदबाजी करनी पड़ती है। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों को बेहद सावधानी से बल्लेबाजी करनी होती है। टेस्ट क्रिकेट में संभल कर बल्लेबाजी करने वाले कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी खेलकर शतक बना सकता है। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में कप्तान की भूमिका बहुत बड़ी होती है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात चंडीगढ़ में हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवंत मान को पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के लिए उन्हें बधाई दी। बता दें कि हाल ही में हुए पंजाब के विधानसभा चुनाव में आपकी शानदार जीत हुई। आपने 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की। जेलेंस्की ने रविवार रात CNN से कहा है कि मैं उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। मैं पिछले 2 साल से तैयार हूं। मुझे लगता है कि बिना बातचीत के हम इस युद्ध को खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें पुतिन से बात करने की संभावना के लिए किसी भी प्रारूप किसी भी मौके का उपयोग करना होगा, लेकिन अगर ये प्रयास असफल हो जाए तो इसका मतलब है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। फिल्म RRR की टीम पूरे जोर शोर से अपनी इस फिल्म का प्रमोशन करने में जुटी हुई है। इस बीच फिल्म RRR की स्टार कास्ट अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंची। जूनियर NTR रामचरण और फिल्म के निर्देशक SS राजमौली अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए पंजाब पहुंचे। यहां फिल्म के प्रमोशन से पहले ही उन्होंने अमृतसर जाकर स्वर्ण मंदिर में माथा टेका।
कीव पर कब्जा करने में विफल रहने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में अपनी युद्ध रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया गया और वो प्रमुख क्षेत्रीय लक्ष्यों की रक्षा की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। UNIAN के मुताबिक द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अज्ञात उच्च रैंकिंग वाले अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए इसकी सूचना जारी की है। चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोप समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के केसों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में भारत सरकार अलर्ट पर है और इससे निपटने की तैयारी तेज की जा रही है। इसी कड़ी में देश के सभी व्यसकों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का प्लान बनाया जा रहा है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। हालांकि अब तक इस पर फैसला नहीं हो सका है कि यह बूस्टर डोज पहली दो खुराकों की तरह ही फ्री होगा या फिर इसका चार्ज वसूला जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुन्नू कुमार, विशाल कुमार, उमा शंकर, इम्प्रेस रजा, सचिन कुमार, धीरज कुमार, कृष्णा, शेर सिंह, पप्पू पासवान, जितेंद्र ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, एनके गांधी, सृष्टि यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत में कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए क्या अब कोरोना का खतरा आपके आसपास भी कम देखने को मिलता है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।